हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए रेलवे सेक्टर का स्टॉक है, छोटा सा शेयर है। लास्ट मंथ यानी कि दिसंबर 2021 के डेट को जब मैंने इसका वीडियो बनाया था, तब ये स्टॉक मात्र 22 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था और बहुत बढ़िया अपने बेस पोजिशन पे आया था। देखिए टेक्निकल हमको बहुत चीज़ें बताता है। बेस पोजिशन पे आने के बाद इस स्टॉक ने जो रैली दिखाई है, पिछले 2 दिनों में ज़बरदस्त रैली आई है और कल की डेट में इसमें ब्रेकआउट आया था। अभी 24-25 रुपये के आसपास जब ये शेयर था, मैंने फिर से इसका वीडियो बनाया था कि भाई ये मेजर रेंज जो है 27 रुपये का पार करना चाहिए, उसके बाद ये स्टॉक में बड़ी रैली आ सकती है। आप देख सकते हो इसके पुराने वीडियोस, लेकिन आज की डेट में जो रैली आई है, मतलब IRCTC को जरा साइड रखो, मैं कहूंगा इस रेलवे स्टॉक को भी जरा देखो, नजरें इस पे भी गड़ाए रखो, क्योंकि स्टॉक में जो जंप आया है अभी तो स्टार्टिंग है ऐसा लग रहा है। क्योंकि क्रिटिकल लेवल जो है वो 29 से 30 की रेंज में है, वो लेवल अगर पार होता है तब असली रैली की स्टार्टिंग होगी, वो हम देखेंगे टेक्निकल से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए मेजर रिक्वायरमेंट होती है डीमैट अकाउंट की, तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कीजिए, तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। ये देखिए आप, दिसंबर 21 का ये वीडियो है, जब ये स्टॉक 22 रुपये के आसपास आ गया था, उस टाइम पे मैंने तब भी कहा था कि IRCTC और राइट्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और इस 22 रुपये के रेलवे स्टॉक को देखो। लेकिन उसके बाद एक महीने के अंदर इतना ज़बरदस्त उछाल, मैं तो कहूँगा अभी तो बस स्टार्टिंग है, इस स्टॉक को जरा देखो। IRCTC बड़ा जंप, 7-7.5% का जंप ऑलरेडी आ चुका है, 1128 के आसपास आ चुका है। अगर कल का वीडियो में अगर आप देखते, मैंने IRCTC के ऊपर बनाया था कि ये शेयर तो क्योंकि मार्केट में अकेला है, लीडर है, मोनोपोली है। अब आप देख सकते हो IRCTC को भाई किस तरीके की मोनोपोली है। IRCTC ही नहीं, मैं कहूँगा रेलवे सेगमेंट में अगर आप राइट्स को देखें या फिर जो 22 रुपये का स्टॉक हम देख रहे हैं, बात करें जिसके RVNL को, आज की डेट में देखिए 29 रुपीज़ के आसपास जा चुका है ये RVNL, इसी की हम बात कर रहे हैं, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर है। इस कंपनी में सारी चीज़ें पॉजिटिव है, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, बस एक नेगेटिव चीज़ है, मैं फिर से कहूँगा, लेकिन डेट कंपनी के ऊपर 3400 करोड़ का, यही एक मुझे स्टॉक में नेगेटिव फैक्टर लगता है। अगर इस स्टॉक का कंपैरिजन मैं IRCTC के साथ करूं तो आप क्लियर कट देख लीजिए, कहां IRCTC का 13% का प्रॉफिट ग्रोथ और रेल विकास निगम लिमिटेड का 25% का प्रॉफिट ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ RVNL का 30% है तो IRCTC का 10 से 11% है। अब जब बात आती है रेलवे की, तो मैं अभी यही कहूंगा कि रेलवे इज द अंडर डेवलप्ड सेक्टर इन इंडिया, बहुत डेवलपमेंट की जरूरत है। और वहां पे अगर कोई ऐसे प्लेयर्स आपको रेलवे सेगमेंट में, जो मुझे 3 बढ़िया प्लेयर अभी के टाइम पे दिखते हैं, IRCTC, RVNL एंड राइट्स, ऑल 3 आर वेरी गुड प्लेयर इन रेलवे सेगमेंट। लेकिन इस तरीके से जैसे आपने देखा होगा, राइट्स में अभी सरकार ने फिर से अपनी होल्डिंग बेची है, तो कहीं ना कहीं RVNL में भी आने वाले टाइम पे होल्डिंग बेची जा सकती है, तो इसके ऊपर काफी इंपॉर्टेंट है शेयर में जंप आना। अभी देखते हैं किस तरीके से क्रिटिकल पॉइंट को RVNL ने पार किया, और मैं कहूंगा अभी तो बस शुरुआत है। अगर इसने अपना जो मेजर रीजन है, मेजर एरिया जो है 29.90 का जो हाई है, इसको पार कर लिया, तो द रियल स्टोरी विल स्टार्ट आफ्टर दिस पीक पॉइंट ऑफ 29.90। आप देख सकते हो आज की डेट में IRCTC ने तो जंप दिया ही दिया, साथ में RVNL ने भी एक बढ़िया उछाल दिया। और मैं देखूं अगर राइट्स कहां पे अभी ट्रेड कर रहा है, जरा देखें कि राइट्स के क्या हालत है, क्या राइट्स भी उछला है या फिर राइट्स फीका पड़ गया है। देखिए राइट्स ने भी आज की डेट में 4% का उछाल दिया और अपना पीक 331 का बनाया है। तो भाई रेलवे के स्टॉक में रैली, मतलब भाई बजट में कुछ खास आने वाला है या तो फिर रेलवे स्टॉक में पहले से रैली देखने को मिल रही है, काफी इंपॉर्टेंट। अब जरा हम RVNL की बात कर रहे थे तो स्टॉक को देख लेते हैं। ये मंथली चार्ट है, ज़्यादा टाइम स्टॉक को मार्केट में आए हुए हुआ नहीं है, एक साल भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ। पिछले साल अप्रैल में आया था 18-19 रुपये के आसपास, देखिए आप क्लियर कट 18-19 रुपये के आसपास आज 50% का गेन आपको एक साल से कम टाइम में इसने दे दिया है, नो डाउट। लेकिन जब ये मार्केट में आया था उसी के दूसरे महीने मई के टाइम फ्रेम पर इसने हाई बना लिया था, उसके बाद करेक्शन आई और फिर से अब जाके इसमें वो बड़ी रैली जनवरी 2020 में देखने को मिली है, मतलब नए साल में। अब मैं वीकली चार्ट पर आपको लेके चलता हूँ, देखिए वीकली चार्ट में पहले भी वीडियो इसके बारे में बना चुका हूँ, लेकिन आप देख सकते हो वीकली चार्ट में भी मैं यही कहूँगा कि स्टार्टिंग में खरीदारी हुई, स्टॉक करेक्ट हुआ, फिर से इसमें जंप देखने को मिला, ओवरऑल मतलब बढ़िया जंप स्टॉक में देखने को मिला। आप क्लियर कट देख पा रहे हो कि अभी के 4-5 हफ्तों में एक बढ़िया रैली देखने को मिली है, नो डाउट। लेकिन
क्रिटिकल पॉइंट मैं फिर से कहूंगा कि जो ब्रेकआउट वाला पॉइंट है वो ऑलमोस्ट 29.90 का पॉइंट है ब्रेकआउट वाला। ये लेवल पार करना इस स्टॉक के लिए काफी जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो बेसिंग हो रही थी वो देखिए, अब मैं आपसे कहूंगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने पेशेंस रखा होगा और उन्होंने होल्ड करके शेयर को लेकर रखा होगा, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें निकल गए होंगे। अब जरा इस पॉइंट को देखिए, अब मैं आपको धीरे धीरे करके ये वीकली चार्ट और टेक्निकल लेवल पे समझा रहा हूँ, बिल्कुल बारीकी से समझे। स्टॉक में देखिए, स्विंग ट्रेडिंग वाले जो स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं वो इस तरीके से ज्वाइंट्स को देखते हैं। उन्होंने देखा भाई ज्वाइंट्स आ गया, ज्वाइंट्स का पीक पार हो गया, हमने इस स्विंग को ले लिया, उन्होंने ले लिया स्विंग को। फिर उन्होंने देखा ज्वाइंट आ गया, ज्वाइंट का पीक पार हो गया, इस स्विंग को ट्रेड कर लिया। लेकिन अभी स्टॉक में जैसे कि ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, 1 साल भी नहीं हुआ है, तो आपके पास ज्यादा पुराना डेटा भी नहीं है, लेकिन अभी स्टॉक को जरा ध्यान दें। स्टार्टिंग में जब पीक बनाया था, ये वाला पीक बनाया था, उसके बाद गिरावट आई थी, तो ये ऑलमोस्ट 21 के लेवल पे जो है इसने बेस बनाया था, फिर ऊपर गया। अगला जो बेस बना, अब देखिए धीरे धीरे करके देखिए, बिल्कुल समझने की कोशिश कीजिए। अगला जो बेस बना वो थोड़ा सा ऊपर बना, 22 के लेवल पे जंप लिया, फिर करेक्शन आया 22 पॉइंट समथिंग के ऊपर बना। अगला जो बेस अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो इससे हल्का सा ऊपर ही बना है, और जो अभी रिसेंटली बेस बना है वो बिल्कुल ऊपर बना है। या आप देख पा रहे हो किस तरीके से रेंज आपकी धीरे धीरे करके कम हो रही है, मतलब ऑल्दो पीक इसने पार नहीं किया लेकिन रेंज हल्की हल्की करके कम होती जा रही है। मतलब जब करेक्शन हो रहा तो धीरे धीरे करके पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं कहूंगा कि ये अभी मौका है, अपने 29 वाले इस लेवल को पार कर ले, फिर जो है अगली सीढ़ी स्टार्ट होगी, द रैली विल स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट। उसके बाद जो ब्रेकआउट आएगा, जो लोग, अब देखिए डेली चार्ट पे चलते हैं फिर बात करते हैं। देखिए अब देखिए इसमें क्या मेंटेलिटी क्या होती है, देखिए लोग इंतजार कर रहे हैं यार ये स्टॉक तो बस इसी लेवल तक जाएगा 29.90 की, ये इसका मैक्सिमम हाई है, या ज्यादा से ज्यादा ये जा सकता है यहाँ पे इस पॉइंट के आसपास 29 से 30 की रेंज में जाएगा। ये बहुत लोगों की मेंटेलिटी है और डेफिनेटली यही तो साइकोलॉजी होती है मार्केट की, क्योंकि यहाँ पे सबको दिख रहा है कि जो रेंज है 28.90 से लेके 29.90 तक, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट इसके लिए है। जब ये रेजिस्टेंस पॉइंट पार होगा तभी मुझे लगता है कि शेयर में जंप आ सकता है। अभी मैं क्लियर कट ये कह सकता हूं कि शेयर में इसको बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसके पास मिलने वाला है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है अगर इस रेजिस्टेंस के पास ये कंसोलिडेट होता है, कंसोलिडेशन का मतलब है कि नए प्लेयर्स यहां पे इनवाइट होना इस रेजिस्टेंस के पास, मतलब कुछ दिन यहां पे होवर करना, तो ये इस स्टॉक के लिए बहुत पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर ये स्टॉक इसी तरीके से पिछली कुछ कैंडल्स की तरीके से, जैसे आप देखा ये 29 मई वाले टाइम है और फिर से ये देखिए ये आपका 4 जुलाई वाला टाइम है, इसी तरीके से बस टच करके वापस आ जाए, तो ये इसका मतलब है कि स्टॉक जो है सस्टेन नहीं कर पाएगा ऊपर के लेवल को, वापस नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो आप क्लियर कट देख पा रहे हो यहाँ पे, इन 3 कैंडल्स को देखिए आप किस तरीके से पीक आया था, पीक आने के बाद फिर से करेक्शन आया, बिल्कुल स्टॉक वापस 25 के लेवल पे आ गया, फिर जंप लाने की कोशिश की लेकिन लोअर हाई बना, और जैसे ही ये सपोर्ट रेंज टूटा 25-80 के आसपास का, उसके बाद स्टॉक में बड़ी गिरावट, बड़ी करेक्शन देखने को मिली और स्टॉक नीचे आया, और नीचे आते ही बिल्कुल बॉटम रेंज पे आ गया। देखिए आप इसी तरीके से मार्केट में चलता रहता, फिर कई दिन कंसोलिडेशन हुआ और स्टॉक वापस अभी नीचे आया था, फिर से आप देखिए धीरे धीरे करके फिर पॉजिटिव मोमेंटम से वापस बन चुका है जंप। लेकिन यहाँ पे मैं कहूंगा कि शेयर में काफी क्रिटिकल, अब मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे और देखने की कोशिश करूंगा कि आज और क्या हुआ, मतलब आवर्ली पे चलिए जरा। आवर्ली पे जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आवर्ली पे एक मुझे लंबी अपर शेडो देखने को मिली है, जिसका मतलब थोड़ा डर जरूर है। लंबी अपर शेडो इट मींस कि शेयर में जहां पे ये ऊपर जाने की कोशिश करी, सेलर्स ने इसको नीचे धकेला, तो मैं कहूंगा भी थोड़ा सा आप कॉशियस रहे, थोड़ा इसको अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हो तब तो अच्छी बात है, लेकिन ब्रेकआउट के लिए इस तरीके की कंसोलिडेशन चाहिए होती है, जो देख रहे हो ना आप ये इस तरीके से, बिल्कुल ब्रेकआउट के पॉइंट पे इस तरीके की कंसोलिडेशन काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसी ही कंसोलिडेशन जब इसने अपने 27 के लेवल को ब्रेकआउट को पार किया था, तो बिना ऐसी कंसोलिडेशन के वो नहीं हो सकता, और मुझे लगता है कि इस रेंज में कुछ कंसोलिडेशन जरूर चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पे बड़े प्लेयर्स आज के 2 घंटे में इन्होंने खरीदारी करी है और कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी जरूर हुई है, तो अगले एक आध दिन इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो शेयर को अगर आप देख रहे हो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो, या फिर ये जो लास्ट आवर की जो कैंडल है वो एक मैं कहूंगा एक लंबी शेडो वाली कैंडल जरूर थी, तो थोड़ा सा डर का माहौल जरूर इसमें बनाइए। देख लीजिए आप 15 मिनट्स के चार्ट पे देख लीजिए, थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट मुझे देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर ये स्टॉक अपनी प्रीवियस इस कैंडल को तोड़ता है, यानी कि 28.50 के लेवल को तोड़ता है, तो डर का माहौल जो है फिर थोड़ा सा बनेगा कि हाँ भाई प्रॉफिट बुकिंग लोग करने लग जाएंगे। लेकिन देखिए स्टॉक को बड़ी रैली है, और बड़ी रैली पर अगर मुझे लगता है कि सपोर्ट इसमें 28.11 तक का, ये जो हमारा 20 डे
ईएमए के आसपास भी सपोर्ट ले सकता है अगर देखें यहाँ पे। अब आवरली को मैं अगर देखूं यहाँ पे, क्योंकि मैंने अलग अलग चार्ट आपको दिखा रखे हैं छोटे टाइम फ्रेम में, इसलिए दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे लास्ट जब जंप आया था तो 20 ईएमए का इसने सपोर्ट लिया था। ईएमए ये 20 आवर की ईएमए का है, और कहीं ना कहीं अगर फिर से गिरावट आती है तो इसके आसपास सपोर्ट मिल सकता है। तो इंपॉर्टेंट है स्टॉक को देखें आप, एनालाइज करें, समझें, और बड़ी लंबी अपर शेडो जरूर बनी है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है लास्ट आवर में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टॉक के लिए। तो रेलवे का स्टॉक जबरदस्त स्टॉक, सस्ता स्टॉक है, लेकिन बिल्कुल पीक पे है। ध्यान दें 29.90 का जो है मेजर बॉटल नेक, इसके मेजर मैं कहूंगा क्रिटिकल पॉइंट इस शेयर के लिए। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।